6 दिसंबर 1992 जब गिराई गई बाबरी मस्जिद। जानिए घटना की पूरी टाइमलाइन। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या 6 दिसंबर को एक ऐसे जख्म की गवाह है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इस घटना ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी और कहीं ना कहीं एक बड़े जनमानस के मनोदशा को झकझोरा भी। 6 दिसंबर 1992 एक तारीख भर नहीं है, ये गवाह है उस गंगा जमुनी तहजीब का जिसे मानकर और जीते हुए हम भारतीय तमाम गिले शिकवे को भूलकर आगे बढ़ने का हुनर जानते हैं। ये विवाद एक उदाहरण है कि किस तरह कानून का राज कायम है। बड़ी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में सबके रहीम सबके राम का फैसला सुनाया और सभी ने इस फैसले को राजी खुशी स्वीकार किया। आज लोग आगे बढ़ चुके हैं, इसके बावजूद कुछ संगठन और नेता समय समय पर इस मुद्दे को उठाते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के पहले कुछ अहम घटनाओं को जानना बेहद जरूरी है। साल 1949 में मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी गई थी। इसी बीच 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई। दावा किया गया था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। समय गुजरता जा रहा था और विवाद भी लंबा खींचता चला गया। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। इसके जरिए एक रथ यात्रा की शुरुआत की गई। राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के नारे लगाए गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े युवाओं को रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें बजरंग दल का नाम दिया गया। इसके बाद 1986 का वो दिन भी आया जब 31 जनवरी 1986 को बाबरी मस्जिद के गेट को खुलवाने के आदेश दिए गए। ये फैसला फैजाबाद जिला अदालत ने सुनाया। इस घटना के 3 साल बाद 1989 में लोकसभा चुनाव थे। इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा खूब उछाला गया। इसी साल इलाहाबाद में हुए कुंभ मेले में 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर शिलान्यास की पहली तारीख तय की गई, जबकि 11 जून 1989 में बीजेपी ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि इस मुद्दे का फैसला अदालत में संभव नहीं है। सरकार से मांग की गई कि संसद में कानून बनाकर राम जन्मस्थान हिंदुओं को सौंप दी जाए। दूसरी तरफ अदालत में भी मामले की सुनवाई जारी थी। आखिर में 1990 का समय भी आया जब बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई। इस रथ यात्रा के जरिए बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को अपने हाथ में लेने की घोषणा की। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई, जिसे 23 अक्टूबर को बिहार में सीएम लालू यादव ने रुकवा दिया था। इन सब के बीच 6 दिसंबर 1992 का दिन भी आया। इस तारीख को अयोध्या में विवादित ढांचे को उन्मादित भीड़ ने ढहा दिया था। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक विवादित ढांचे को गिराने के एक दिन पहले 5 दिसंबर 1992 की सुबह अभ्यास किया गया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना को लेकर लंबे समय तक विवाद रहा और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से तमाम विवादों पर ब्रेक लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 1992 के पहले सप्ताह में अयोध्या में गहमा गहमी बढ़ी हुई थी। 6 दिसंबर की सुबह नारे लगाती भीड़ विवादित ढांचे की तरफ बढ़ी। करीब 200 मीटर की दूरी पर एक स्टेज बना था जिस पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कलराज मिश्र, रामचंद्र परमहंस, अशोक सिंघल जैसे नेता मौजूद थे। मंच पर कई साधु संत भी थे। अयोध्या में पुलिस की भारी तैनाती थी। सीनियर अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण कर रहे थे। दोपहर 12 बजे तक हालात कंट्रोल में दिख रहे थे। अचानक नारेबाजी के बीच भारी भीड़ विवादित स्थल में घुस गई। हंगामा और नारेबाजी बढ़ता चला गया। भीड़ में शामिल कई लोग विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ गए। गुंबदों के चारों तरफ चढ़े लोगों के हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उन्होंने गुंबद को गिराना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दिसंबर की दोपहर 2 बजे के आसपास पहला गुंबद गिरा दिया गया। शाम 5 बजे भीड़ ने सभी गुंबद गिरा दिए। तमाम कोशिशों के बावजूद भीड़ को नहीं रोका जा सका। इस घटना की गूंज अयोध्या से लेकर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्से में सुनाई देने लगी। आनन फानन में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। समूची अयोध्या नगरी किसी अनहोनी के साय में सिमटी दिखी। यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने विवादित ढांचा विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी ली। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, कृपया स्वीकार करिए। बाबरी विध्वंस के बाद देश भर में हिंसक घटनाएं हुई।
वक्त गुजरा और हालात भी सुधरे। अयोध्या मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के पास थी। इस मामले पर सुनवाई भी की जा रही थी। आखिर में साल 2019 में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद तमाम विवादों पर हमेशा के लिए ब्रेक लग गया। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या विवाद सुलझ गया। राम जन्मभूमि परिसर को राम मंदिर निर्माण के लिए देने के आदेश दिए गए। मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।